अज समुची दुनिया के दस्तार दिवस मनाया जा रहा है। इस दे संबंध में अज असी विचार चर्चा करांगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दस्तार शब्द का भाव हुंदा है कि हाथ नाल बन्निया होया कपड़ा, हाथ नाल पहनिया होया वस्त्र। दस्तार सिख जिहड़ा है वह शीश के उपर सजा के रखता है। आदिकाल तो लैके जदों तो मानवता मनुखता होंद विच आई, जिहड़े मनुख सन सहजे सहजे जदों जागरूक होने शुरू होए तो उन्होंने अपने सिर के उपर कोई कपड़ा जिहड़ा सी बनना शुरू कर दिता। पहला पहल इनू पत्तियां दे नाल भी ढक के जिहड़ा वह रखिया जांदा सी। मिस्र दी सभ्यता तो पता लगता है कि उस वेले दे लोग जिहड़े सन वह दस्तार सजाउण लग गए सन। इस्लाम दे लोग जिहड़े हन वह भी दस्तार सजाउंदे सी। हज़रत मुहम्मद साहब सुंदर दस्तार जिहड़ी वह सजाया करते सन। जदों उस वेले जिहड़े लोग सन भारत दे विच हमलावर हो के आए और इत्थों दे लोग जिहड़े सन यह भी दस्तारां जिहड़ियां वह सजाउण लग गए। भावें कि भारतीय सभ्यता दे विच पुरातन समय तो ही ऋषि मुनि इत्यादिक जिहड़े सन केस भावें खुले रखते सी, पर किते किते दस्तार सजाउण दा जिहड़ा रुझान वह सी। गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र गुरबाणी के अंदर परमात्मा नूं दस्तारधारी दस्या गया है। भगत नामदेव जी का यह बचन आपां पढ़दे हाँ, खूब तेरी पगड़ी मीठे तेले बोल। भाव के रब जिहड़ा वह केसाधारी है और दस्तारधारी है। इदा ही भगत फरीद साहब जी ने कहा, मैं भलावा पगदा, भाव उत्थे भी उन्होंने दस्तार दा पगदा जिक्र किया है। इस्लाम की दुनिया का जिक्र करदे आ गुरु अर्जन साहब पवित्र गुरबाणी में कहिंदे ने, साबत सूरत दस्तार सरा, भाव के ये इस्लाम नाल संबंधित गल गुरु अर्जन साहब जी ने की है। दस्तार की गल की गई है और लोग जिहड़े सन वह शीस के उपर दस्तार सजाउंदे है। इनू पग भी कहा जाता है, इनू चीरा भी कहा गया है, टर्बन भी कहा गया है। वख वख भाषा दे विच इनू अपने अपने तरीके दे नाल नाम जिहड़ा वह दिता जाता है। गुरमत दे विच गुरु नानक साहब महाराज जी ने संसार के उपर आण के अपने शीस के उपर दस्तार सजाई और सिख संगतां नू जिहड़ा वह ये उपदेश बार बार दिता जाता रहा कि केस कतल नहीं कराने, केस कतल नहीं दे भाव के वो उपर दस्तार जी सजाउनी है। दस्तार गुरु नानक साहब महाराज आप सजाते रहे, दस गुरु साहबान ने दस्तार जी सजाई। गुरु अर्जन साहब महाराज जो गुरता गद्दी ते शुभायमान होन लगे तो उदों जिक्र आता है कि बाबा बुढ़ा साहब दो दस्तारा लेके आए। उहदा कारण यह सी कि एक पासे बाबा पृथ्वी चंद जिहड़े सन वह कहिंदे कि गुरता गद्दी दा दावेदार मैं हाँ और गुरता गद्दी गुरु अर्जन साहब महाराज नूं प्राप्त होई सी। इस करके जिहड़ी घर दी जिम्मेवारी दी दस्तार है वह बाबा पृथ्वी चंद जी नूं बन्नी गई और जिहड़ी गुरियाई दी दस्तार है वह गुरु अर्जन साहब जी नूं बन्नी गई। भावें कि वह वक्री बात है कि दूसरी दस्तार भी बाबा पृथ्वी चंद खो के लै गया। भाव के दस्तारबंदी जिहड़ी है उस वेले जिहड़ी जदों गुरता गद्दी ते विराजमान किया जाता उदों भी दस्तार दित्ती जाती सी। जदों गुरु अर्जन साहब महाराज जी की शहादत तो बाद मीरी पीरी के मालक गुरु हरगोबिंद साहब गुरता गद्दी के उपर शुभायमान हुए, उन्होंने सुंदर दस्तार सजाई। दस्तार के उपर उन्होंने कलगी ला ली, मीरी ते पीरी दियां तेगां धारण कर लईयां। दो ढाडी साहिबान बाबा नत्था जी, बाबा अब्दुल्ला जी जदों गुरु हरगोबिंद साहब महाराज की सिफ तो सलाह करते हैं तो उन्होंने खास करके दस्तार का जिहड़ा वह उत्थे जिक्र किया है। आपां उन्हां दी इह कविता पढ़दे हाँ। दो तलवारी बद्दियां, एक मीरी दी एक पीरी दी, एक अजमत दी एक राज दी, एक राखी करे वजीरी दी, हिम्मत बाहां कोटगढ़ दरवाज़ा बलख बखीर दी, नाल शपाही नील नल मार दुष्टां करे तगीद दी, पग तेरी की जहांगीर दी। भाव गुरु हरगोबिंद साहब महाराज तुहाडी दस्तार दे मुकाबले, तुहाडी पग दे मुकाबले समय दे बादशाह दी भी की पग है, भाव कुछ भी नहीं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने सिखां नूं जिहड़ा दस्तार बन्नण दा हुक्म किया, हालांकि समय दा बादशाह औरंगजेब कह रहा सी कि मेरे राज दे विच कोई घोड़सवारी नहीं कर सकता, कोई शस्त्र नहीं रख सकता, कोई पग नहीं बन सकता। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कह रहे सन सिख जिहड़े वह दस्तार भी सजाउणगे, सिख जिहड़े वह शस्त्रधारी भी होणगे, सिख जिहड़े वह घोड़सवारी भी करनगे। इस करके दस्तार जिहड़ी वह सिख दा एक निखड़वां जिहड़ा वह अंग बन जांदा है। मन्निया जांदा है विद्वानां दे वल्लों कि एक मनुख की पहचान करनी होवे, मनुख नूं वेखणा होवे उहदे वास्ते तीन चीज़ां की जरूरत हुंदी है। उहदे विच हुंदा है गुफ्तार, रफ्तार ते दस्तार।
गुफ्तार तो भाव के उदा बोलचाल कैसा है, उदी बोली किदा है। सिखां दी बोली तो है ही जिवें गुरबाणी विच क्या, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, कि रब मिठा बोलदा है, सिख भी मिठा बोलदा है। फिर उस तो बाद है कि रफ्तार उदा चाल चलन कैसा है, उदी चलदा किवें, और सिखां दा चाल चलन जिहड़ा वह भी बड़ा न्यारा है, भगतां की चाल निराली। और तीसरी है दस्तार, सिखां दी जिहड़ी सुंदर दस्तार है, सिख अपने हाथों के नाल अपने शीस के उपर सोहनी दस्तार जी सजाऊंदा है। दस्तार इज्जत का प्रतीक है, मान का प्रतीक है। मनिया जाता है कि जिस वेले दे नाल अकबर ने भारत के राजभाग कायम कर लिया तो महाराणा प्रताप सिंह जिहड़ा है वो उस वेले जंगलों के चलिया गया, उन्हूं देश निकाला जिहड़ा वो दे दिता गया। एक दिन तानसेन उन्हूं जंगल दे विच वेखदा है ते तानसेन उन्हूं संगीत सुनाउंदा है। जदों संगीत सुनाउंदा है ते उस वेले दे नाल महाराणा प्रताप एक गल कहिंदा कि मैं कदे राजा हुंदा सी, और जदों तू उदों मैनू सुनाउंदा सी, मैनू कोई भी आण के सुनाउंदा सी ते मैं उन्हूं इनाम दिंदा सी, पर मैं अज भी राजा ही हाँ, भावें मेरे कोल मेरा राजभाग नहीं रहा, तू मैनू सुनाया, मैं तैनू कुछ देना चाहुंदा, तू कुछ मंग लै। उस वेले तानसेन ने वेख्या इहदे कोल देण वास्ते तां कुछ भी नहीं, उहने कहा होर नहीं कुछ आ, सिर दी दस्तार दे दे। महाराणा प्रताप का उस वेले जिहड़ा सी हौका तहां निकल गईआं, कहन लग्या कि ये तू की मंग लिया, इस दस्तार नूं मैं अकबर के सामने झुकन नहीं दिता, गुलामी प्रवान नहीं की, इस करके जंगलों के आण के बैठा है, तू मेरे को दस्तार मंग ली, मैं दे देना हाँ, पर यह दस्तार जिहड़ी है दिल्ली दरबार के झुकनी नहीं चाहिए। भाव यह दस्तार जिहड़ी है इज्जत का प्रतीक है। खिमा करना जे अज का सिख थां थां के उपर यह दस्तार में झुका फिरदा है तो भाव उन्हें अपनी इज्जत में जिहड़ा वो रोल दिता होया है। 13 अप्रैल वाले दिन समुचे विश्व भर के दस्तार दिवस मनाया जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया को सिखां दी दस्तार के बारे पता लग सके। भावें कि फ्रांस सरकार ने जिहड़ा सी अपने देश दे विच दस्तार दे उपर पाबंदी लाती, उन्हें कल्ली दस्तार दे उपर ही नहीं लाई, बल्कि उन्हें धार्मिक चिन्हों के उपर पाबंदी लाती कि कोई भी धार्मिक चिन्ह पहन के स्कूल दे विच बच्चे जिहड़े नहीं आ सकते, सिख नंगे सिर सिखां दे बच्चे जिहड़े स्कूलों में जाते रहे। इदां दीआं मुश्किलां समस्यावां होर भी कई देशां दे विच जिहड़ियां उह सामने आउंदियां ते आ रहियां ने, पर सिख दी दस्तार जिहड़ी उहदा निखड़वां अंग है। दस्तार सिख दे वास्ते माण दा प्रतीक है। जिस वेले दे नाल 1971 ईस्वी दे विच बंगलादेश दी जंग लगी हुई सी, उस जंग दे विच जदों जनरल जगजीत सिंह रोड़ा उस वेले दे नाल एक नवां देश तैयार कर दिंदे, पाव बंगलादेश पाकिस्तान दे विचों कट के बना दिता जांदा है, और उस वेले उन्हां मोर्चियां दे विचों कुछ नगन जिहड़ियां बच्चियां सी कुड़ियां सी उह फड़ियां जांदियां। जिस वेले दे नाल उह नगन अवस्था दे विच सरदार जगजीत सिंह रोड़े दे सामने आईया तो उन्होंने आण के कहा कि तुसी साड़ी मदद करो। सरदार जगजीत सिंह रोड़ा कहन लगे, कहिंदे मैं तो दुश्मन देश का हाँ, तुसी अपने देश के सिपाहियों जाके कहो वो तुहाडी मदद करन। वो कहन लगियां, कहिंदियां तुसी दुश्मन देश दे हो जां साडे अपने हो, पर सानू पूरा पता है तुहाडे सीस ते दस्तार सजी हुई है, तुसी पग बधी है, इस करके तुसी साडे नाल कुछ गलत नहीं करोगे। जिहड़े साडे वाले है वह तो सानू जिहड़ा सी इदां ही छड्ड के चले गए, और उन्होंने साडा बुरा हाल कर दिता, उन्होंने साडे शरीरां दा कुछ नहीं छड्डिया, और ये सारी साडी दशा दे कसूरवार ही साडे अपने लोग है, पर तुहाडे सीस दे उपर गुरु गोबिंद सिंह दी दस्तार है, इस करके सानू तुहाडे ते वध यकीन है। जनरल जगजीत सिंह रोड़ा दीआं अखां दे विचों नीर वह तुरिया कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज आप दी दित्ती हुई दस्तार दे करके देखो सिख दी किन्नी कदर है, किन्नी इज्जत है। उन्होंने अपने कोलों कपड़े दे के उन्हां जिहड़ियां बच्चियां सी इस्त्रियां सी उन्हां दा पहला नगेज जिहड़ा उन्हूं ढकणा कीता। दस्तार इस करके सिख दे लई मान दा प्रतीक, अज समुची दुनिया दे विच दस्तार दिवस मनाया जा रहा। आओ प्रण करिए आपां भी अपने शीश दे उपर सोहणियां दस्तारां सजा के और हकीकत विच दुनिया नूं दसण दा जिहड़ा यतन करिए। भावें कि अज दे कलाकारां ने सिखां दी इस दस्तार नूं रोलण दे विच कोई कसर बाकी जिहड़ी उह नहीं छड्डी। जदों कहा जांदा है कि दस पग्गां वाले आ गए तुसीं लुक जो, इं जिवें किसे नूं लुट्टण वास्ते आ रहे हुंदे आ, और उत्थे दस्तार दा उह जलूस कढ़िया जा रहा हुंदा, बल्कि सिख दी दस्तार वल वेख के ते 18वीं सदी विच कहा जांदा सी कि हुण दस्तार वाला सिख जिहड़ा आ गया है, आ गए निहंग बूआ खोल दे निसंग, कि हुण सानू किसे प्रकार दा कोई डर जिहड़ा उह नहीं रहा। तो एक पासे वह समा से जदों सिख नूं दस्तारधारी नूं वेख के जिहड़ा कहा जांदा सी सानू डर नहीं, एक पासे अज दा आ जिहड़ा सभ्याचार दे नाम हेठ साडे उपर जिहड़ा थोपिया जा रहा जिहदे विच सिखां दे किरदार दी
ਸਤਿਕਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।